ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ये है दरबल बखूर जो यमन से मक्का यसरब यम्बू नखल सीरिया इजिप्ट जाने का रास्ता था. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. جرب کا گاؤں उसके करीब ही रास्ता. मलका बिल्किस यमन से निकली थी सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, इसी रास्ते दरबल बखूर से गई थी. ये आसार है दरबल बखूर की. और आप सल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले अब्राहा हाथियों का लश्कर लेके 400 उसमें इंसान थे आर्मी वाले, और कुछ हाथी, कुछ में जिक्र है एक ही हाथी था, कुछ में तीन थे, कुछ में सात है, लेकिन एक हाथी का नाम महमूद था जिस पे आप रहा था. ये स्टेप्स बने हुए इस यहाँ से, क्योंकि हाथियों का लश्कर गुजरा है जिसका जिक्र सूरह फील में है. अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो उसकी वजह से इस रास्ते का नाम पड़ गया दरबल फील, कि इस रास्ते से हाथियों का लश्कर गुजरा था खाना काबा गिराने के लिए. पूरा रास्ता आगे तक जाता है. मक्का की डायरेक्शन ये, यमन की डायरेक्शन वो है, और ये भी पुराना यमन है जो अब के सऊदी अरब का इलाका है. सार है अब भी उन्हीं कुदसी सिफातों के.